आज की वाणी है 7 मई 1976 हरिकार चला धीरे धर मनुआ धीरे धर मेरे सुख के दिन आ गए। जरूर कोई कोई अधीर हो रहे होंगे तो बोला मनुआ धीरे धर। मनुआ किसे कहा जाता है? मनुआ माने मन। अब्बल लंबर का मन कौन है? अब्बल लंबर का मन है जो बहुत छलांगे मारता है, ब्रह्मा। कौन सा ब्रह्मा? प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा वो मन है कि बुद्धि है? बुद्धि है। वो तो बुद्धि है, उसकी भी बुद्धिमानों की बुद्धि शिव है, लेकिन अब्बल लंबर का मन कौन है? जिसके एक के धीरज धरने से सबके अंदर धीरज आ जाएगा। वो एक मन कौन सा है? मनुआ तो सभी है, जो भी आत्माएं हैं उनके अंदर संकल्प शक्ति है। परमात्मा की तो बात ही नहीं, वो तो मन के संकल्प विकल्प से ही परे है, क्योंकि त्रिकालदर्शी है, उसे मन चलाने की दरकार ही नहीं। लेकिन जो पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उनमें अव्वल नंबर मन कौन है? जो बहुत चंचल होता है, उस एक मन रूपी आत्मा के स्थिर हो जाने से सब स्थिर हो जाएंगे। एक के पावन बनने से सब पावन हो जाते हैं, और एक के पतित बनने से सब सब पतित हो जाते हैं। वो कौन है? मुख्य एक्टर ब्रह्मा। कौन सा ब्रह्मा? आदि ब्रह्मा। आदि ब्रह्मा। आदि ब्रह्मा कौन है? रहन बाप। आदि ब्रह्मा। आदि ब्रह्मा गीता माता। हाँ, आदि ब्रह्मा गीता माता, जिनके साथ परमात्मा शिव पहले पहले मुख से उच्चारण करता है, क्योंकि जिस तन में भी प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो किस में पहले प्रवेश किया? गीता। गीता माता में पहले प्रवेश किया। किस लिए किया? ब्राह्मण को ज्ञान सुनने और सुनाने के लिए प्रवेश किया। तो जिसमें पहले प्रवेश किया और फाउंडेशन डाला, क्योंकि डालना पड़े, फाउंडेशन डालना पड़े। भक्तों का फाउंडेशन नहीं होगा, और यज्ञ के आदि में अगर साक्षात्कारों के द्वारा भक्ति का फाउंडेशन न पड़ा होता तो ब्रह्मा बाबा उस साक्षात्कार भी न हो पाते। तो ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए, साक्षात्कार कराता तो उसे भी ही है, लेकिन उसका ये अर्थ नहीं कि साक्षात्कार कराया तो शिव ने प्रवेश कर लिया। साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में अनेक भक्तों को होते आए। जिन जिन भक्तों को साक्षात्कार हुए वो खुशी में भरपूर हो गए, लेकिन अल्पकाल की खुशी होती है, सदाकाल की खुशी नहीं हुई। और अंत में जब परमात्मा शिव त्रिमूर्ति के द्वारा इस सृष्टि पर आना होता है, तो पहले पहले जो अव्वल नंबर भक्त बनता है उसमें प्रवेश करता है। अव्वल नंबर आत्मा जो बच्चे के रूप में संसार में पहले पहले इस सृष्टि पर आता है,
बच्चा बुद्धि आत्मा, उसमें परमात्मा प्रवेश करके बाद में ब्रह्मा का रूप लेता है। वो फर्स्ट क्लास रचना तो है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो बाप की फर्स्ट क्लास रचना होता है, पहलौटी का बच्चा। उसमें लंबे समय की प्योरिटी की पावर समाई हुई होती है, तो फर्स्ट क्लास रचना तो है लेकिन पहली रचना नहीं है। पहली रचना कौन? गीता माता, जिसके द्वारा ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों को सुनने और सुनाने का कार्य हुआ। क्यों? ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों को सुनने और सुनाने का कार्य उस माता के द्वारा ही क्यों हुआ? ब्रह्मा के द्वारा हो जाता? नहीं, माता निमित्त बनते हैं ना जन्म देने में। जन्म देने में माता निमित्त बनती है? हाँ। माना ब्रह्मा के द्वारा जो ब्राह्मण पैदा हुए दादा लेखराज के द्वारा, हाँ, वो निमित्त नहीं बने? माता गुरु की उत्थान है। हाँ, यज्ञ के आदि में जब परमात्मा शिव को प्रवेश करना होता है तो तीन मूर्तियों के साथ प्रवेश करता है। तीनों मूर्तियां होनी चाहिए, आदि ब्रह्मा भी होना चाहिए, लव और ला का बैलेंस रखने वाली आत्मा भी होनी चाहिए और जो लाफुल पार्ट बजाने वाला धर्मराज का पार्ट धारी आत्मा है वो भी होनी चाहिए। तो तीनों आत्माओं में सबसे संकल्प शक्ति किसकी तीखी होती है? संकल्प। वो कब तीखी होती है? जब कॉन्सेंट्रेशन संपन्न स्टेज को पहुंचा हुआ होता है। और सबसे कमजोर आत्मा कौन बन जाती है कलयुग के अंत में आकर? ब्रह्मा। माताओं को जितना नीचे गिराया गया है उतना और किसी को नहीं गिराया जाता। तो आत्मिक रूप में भी जो माता का पार्ट बजाने वाली है वो भी कलयुग के अंत में गीता माता है, जो सब धर्मों की माता है, सब धर्म ग्रंथों की माता है। और उसको जितना नीचे गिराया जाता है उतना और किसी को नीचे नहीं गिराया जाता। वो माताओं की भी माता है। कलयुग के अंत में भगवान किसका उद्धार करने के लिए आते हैं? माता। धरणी माता का उद्धार करने के लिए आते हैं। धरणी पाप के बोझ से बहुत दब जाती है। जड़ धरणी की बात नहीं है, न जड़ धरणी पाप करती है और न जड़ धरणी पुण्य करती है। कोई चैतन्य आत्माओं की बात है, उन चैतन्य आत्माओं में जो अव्वल नंबर पहली माता है जिसका परमात्मा ने आधार लिया वो है मन रूपी ब्रह्मा। उसके लिए कहते हैं मन के संकल्पों से क्या हुआ? सृष्टि रचना हुई। कौन सी? पुरानी सृष्टि की रचना हुई या नई सृष्टि की रचना हुई? नहीं, जरूर नई सृष्टि की रचना ही परमात्मा आकर के करता है। हाँ, ज्ञान युक्त संकल्प होते हैं तो नई सृष्टि की रचना होती है, और अज्ञान युक्त संकल्प होते हैं तो सृष्टि की पुरानी दुनिया बनती है। हर आत्मा इस समय संगम युग में अपने लिए नई सृष्टि और पुरानी सृष्टि रच रही है। सुख की दुनिया भी रच रही है और दुख की दुनिया भी रच रही है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं,
कि अभी लास्ट चांस है, लास्ट चांस में क्या करो है, राजी रहो और राजी करो, खुश रहो और खुश करो, सुख दो और सुख लो, न दुख दो न दुख लो। अच्छा, लेकिन माया तो मन को भरमाती रहती है, माया और प्रकृति माता ये दोनों बड़े विकराल रूपधारी है। प्रकृति पांच तत्वों का संघात है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, वो तो जड़ है, उनको भी कोई चैतन्य पार्ट बजाने वाली चैतन्य आत्माएं हैं, अग्नि देवता वायु देवता ऐसे कहते हैं ना, तो उनमें मुख्य है धरणी। धरणी माता कहो, मन कहो, गीता माता कहो। जो गीता माता आदि में सत्य सनातन धर्म की स्थापना करती है, निमित्त बनती है, कराने वाला तो करण करावन हार परम पिता परमात्मा से भी कहा जाता है, लेकिन नई दुनिया का द्वार खोलने के निमित्त कौन बनती है, गीता माता। ब्रह्मा के द्वारा मैं स्वर्ग के गेट खोलता हूँ, तो वो तथाकथित ब्राह्मण समझ लेते हैं कि दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया के गेट खुलते हैं, लेकिन वो तो शरीर छोड़ गए, द्वारा माना मीडिया की बात रही नहीं, तो बात किसकी है, पिता माता। जरूर जो आदि में माता थी, जिसके लिए मुरलियों में आता है, ऐसी ऐसी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराती थी, डायरेक्शन देती थी, किसको, मम्मा बाबा, मम्मा और बाबा को भी डायरेक्शन देती थी, ऐसे बात ऐसे महावाक्य की मुरलियों में आए हैं, भले वो मुरलियों के महावाक्य इस समय लोप कर दिए गए, मैं अपने सुने बाबा ये है, लेकिन प्रूफ चाहिए ना, ये मुरली जब हमने ब्रह्म कुमारी में सुनी लेकिन उसका प्रूफ चाहिए, तो प्रूफ के लिए वो पुरानी मुरली नष्ट कर दी, इकट्ठी करनी पड़ेगी। अभी तो ये हालात है कि पुरानी मुरली का प्रूफ उनको दिखा भी दो तो देखो तो कहते हैं कि तुम्हारी छपाई हुई। तो भक्त लोग जो है वो अड़ियल हो जाते हैं, अड़ जाते हैं, हठयोगी है। कौन से भक्त लोग हठयोगी बनते हैं, बाहर की दुनिया के, बाहर की दुनिया के तो हम देखते ही आए 63 जन्मों से, लेकिन उनके भी जो बीज है, उनकी भी जो जड़ें हैं, वो ब्राह्मणों की दुनिया में बहुत हठी होते हैं। उनको जब तक साक्षात धर्मराज के सामने न रखा जाए तब तक वो मानने वाले नहीं, धर्मराज से तो डर जाएंगे। इसलिए प्रकृति और माया इन दोनों का सुधार जब तक नहीं होता है, तब तक दुनिया की किसी भी मनुष्य आत्मा का कोई भी सुधार नहीं हो सकता। माया तो एकदम जड़ थी, पत्थर बुद्धि बताई दी, क्या नाम दे दिया उसका, पत्थर बुद्धि है, अहिल्या है, अहि माने सांप, लेया माने ले आई, जो जानबूझ करके सर्प जैसे भिखारियों को बाबा के सामने ले आती है, मना करने के बावजूद भी, तो वो अहिल्या पत्थर बुद्धि बन जाती है। वो भी जब तक परमात्मा के चरणों का स्पर्श न करे
तब तक उसका उद्धार नहीं। कौन से चरण? स्थूल चरणों की बात है। बुद्धि रूपी, बुद्धि रूपी जो चरण है, बुद्धि रूपी जो पांव है, उनका जब तक उसको स्पर्श नहीं होता है तब तक वो भी सुधरने वाली नहीं है। ये तो हुई माया की बात। माया रावण कहते हैं ना, माया भी रूप धारण करने वाला है। रावण के कितने सिर? दस। दस सिर। उनमें कौन कौन से सिरों को, कौन कौन से सिरों की पहचान है? हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये तो पांच ही हुए। पांच स्त्री का होता है। अच्छा, माना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये रावण के सिर हैं। हाँ। और स्त्री कौन है? फिर स्त्री कौन है? उसके सिर कौन से है? प्रकृति। ये रावण, हाँ, प्रकृति है, वो भी जड़त्वमयी होती है। क्या? प्रकृति के जो पांच जड़ तत्व है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये भी स्त्री रूप है। और ये स्त्री रूप जो है वो भी बहुत विकराल रूप धारण करते हैं। क्या? घर का सुधार और घर का बिगाड़। वसुधैव कुटुंबकम्। सारी वसुधा हमारा परिवार है, कुटुंब है, उसका सुधार और उसका बिगाड़ किसके हाथ में? माता के हाथ में। प्रकृति माता के हाथ में है। अगर वो तामसी बन जाती है तो कहते हैं घर की धरणी अगर अच्छी नहीं है तो घर का सत्यानाश कर देती है। और घर की धरणी अगर अच्छी हो तो घर क्या बन जाता है? स्वर्ग बन जाता है। तो सारा मदार किसके ऊपर आ गया? माताओं पर। बहुत सी माताओं के ऊपर बाद में। पहले प्रकृति के ऊपर। हाँ, पहले प्रकृति माता कहो, गीता माता कहो, आदि ब्रह्मा कहो, उसके ऊपर सारी जिम्मेवारी आ जाती है। लेकिन जिम्मेवारी तो आ गई, उसको पॉल्यूट किसने किया? प्रकृति को जो पॉल्यूशन हो रहा है वो पॉल्यूशन करने वाला कौन? कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, मनुष्य, या मनुष्यों में भी श्रेष्ठ हम ब्राह्मण। ब्राह्मण ब्राह्मण प्रकृति को पॉल्यूट कर रहे हैं। माया पॉल्यूट करती है। जो पॉल्यूशन है वो भी दुर्योधन दुशासनों के द्वारा होता है। सब पुरुषों को कौन सा रूप बता दिया मुरली में? दुर्योधन दुशासन। सब पुरुष दुर्योधन दुशासन। तभी तो मारना चाहिए। मरना चाहिए। क्या डंडे से मारना चाहिए? बबुल के डंडे से नहीं। कैसे मारेंगे? ज्ञान के डंडे बाबा ने दिए हैं। हाँ। तो जगदम्बा की भुजा बनेंगे आप। हाँ। है? है? बाबा ने दिए लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करता सिवाय मनीषा के। है? अच्छा, तो जगदम्बा जो है, जो पहली माता है, उसके ऊपर जिम्मेवारी तो है, लेकिन जिम्मेवारी तब तक है जब तक उसे पॉल्यूट नहीं किया गया। और जब उसे पॉल्यूशन में डाल दिया गया, उसकी बुद्धि को भरमाए दिया गया, तो फिर उसकी जिम्मेवारी कहेगी? कहते ना बरगला लिया। रावण किसको बरगलाता है? रावण ने किसको बरगलाया? सीता को बरगलाया। कैसा रूप धारण करके बरगलाया? साधु। साधु साधु का रूप धारण करके बरगलाया। तो जो साधु का रूप धारण करके बरगलाने वाला रावण है, वो रावण के ऊपर सारी जिम्मेवारी
चली जाती है दुनिया को अंधेरे में ले जाने के। दुनिया अंधेरे में जाती है तो कीट पशु पक्षी पतंगे मनुष्य सारे ही अंधेरे में जाते हैं। पहले मनुष्य अंधेरे में जाते हैं। मनुष्य कब बनता है? मनुष्य मनुष्य क्यों कहा जाता है? मन का उपयोग करता है तो मनुष्य कहा जाता है। अगर मन का उपयोग न करे तो मनुष्य न कहा जाए। अथवा मनु की औलाद है तो मनुष्य कहा जाता है। और जन्मों में तो मनु माने ब्रह्मा होता ही नहीं, कोई जानता ही नहीं कि सृष्टि का पहले नंबर का मनु कौन है, अव्वल नंबर मनु कौन है या फर्स्ट क्लास मनु कौन है। इस अंतिम जन्म में पता चलता है कि मन रूपी ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है और शंकर का पांड बजाने वाला कौन है। तो जिस इस अंतिम जन्म में पता चलता है कि ये मनु है तो उस मनु की औलाद मनुष्य कही जाती है। जैसे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण कहे जाते हैं, जैसे शिव की फॉलोअर्स शैव कहे जाते हैं, विष्णु के फॉलोअर्स वैष्णव कहे जाते हैं। माना फॉलोअर या बच्चे के अर्थ में एक मात्रा बढ़ जाती है। तो मनु की औलाद मनुष्य हुए। मनुष्य जब सुधरता है तो देवता बन जाता है और मनुष्य बिगड़ता है तो रावण जैसा राक्षस बन जाता है। अब सवाल ये है कि मनुष्य बिगड़ा, मनुष्य में स्त्री और पुरुष दोनों ही आते हैं ना, है? क्योंकि आत्मा तो एक जन्म में स्त्री बनती है और एक जन्म में पुरुष बनती है। अच्छा, लेकिन आत्माओं में भी कोई आत्मा ऐसी होती होगी ना जो 84 जन्मों में से ज्यादा जन्म स्त्री के लेती हो, और कोई पुरुष ऐसे होते होंगे जो ज्यादा जन्म पुरुष के लेते हो। ऐसे सामान्य रूप से कह दिया एक जन्म स्त्री का एक जन्म पुरुष का, लेकिन साथ साथ में ये भी बता दिया कि ज्यादा से ज्यादा दो जन्म स्त्री के हो सकते हैं अथवा ज्यादा से ज्यादा दो जन्म पुरुष के हो सकते हैं। माने कोई आत्मा में पुरुषत्व के संस्कार ज्यादा हैं, माने कड़क पने के संस्कार ज्यादा हैं। जैसे त्रिमूर्ति में एक मूर्ति बिल्कुल लूज दिखाई गई है, सहज रूप में बैठक दिखाई गई ब्रह्मा को, दादा लेखराज को किस रूप में दिखाया गया? सहज रूप में। कोई बच्चा आया, बाबा हमारे घर वाले बहुत परेशान करते हैं और हमारा मन भी बहुत तंग करता है और अब शादी तो करनी पड़ेगी। बाबा कहते अच्छा उसकी कोई बात नहीं, तुम शादी कर लो और बाबा तो चाहते हैं कोई ऐसा महावीर महावीर नहीं निकले जो पवित्र करके दिखाए। तो ब्रह्मा बाबा लूज बात कह देते थे, माँ है क्योंकि मुरली बोला है, ये ब्रह्मा भी इंटरफियर करके बोलता है। जब शिव बाबा मुरली चलाते हैं ब्रह्मा की द्वारा तो ब्रह्मा की सोल भी बीच बीच में इंटरफियर करके बोलती है। तो कोई बच्चा आके बोलता है, बात करता है, तो बाबा ने कहा कि जो बातचीत करते हैं वो मुरली नहीं है क्या? है ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा ने बच्चों से बात की तो जो शादी की बात आई, कोई बच्चे ने पूछी परमिशन मांगी तो ब्रह्मा कथन है, लूज होने की वजह से उन्होंने क्या किया, डायरेक्शन दी, अच्छा कर लो बच्चा।
पवित्र रहकर के दिखाना, तो ठीक है डायरेक्शन तो दे दिया गया, लेकिन डायरेक्शन देने वाली आत्मा ने ये नहीं सोचा कि मुरली में ये भी कहा हुआ है कि शादी बर्बादी। शादी जो है जब मुरली में बोल दी बर्बादी, लेकिन बोली किसने? ब्रह्मा ने बोली, शिव बाबा ने बोली। शिव बाबा ने एक निश्चित नियम बना दिया, शादी बर्बाद, और शादी का भी शादी की भी परिभाषा बताई है। शादी की परिभाषा ये नहीं बताई कि ढोल मजीले बजा लिए और पंडित जी को पंडित जी ने इधर उधर आके चारों तरफ घुमाए दिया तो शादी हो गई, या कोर्ट में जाकर के मैरिज कर ली तो शादी हो गई, नहीं, विकार में जाना माना शादी हो गई, ये मुरली की परिभाषा है। क्या विकार में जाना माना? कोई विकार में जाता है माना शादी हो गई, वी माना विकृति, कार माना कार्य, जो विपरीत कार्य है श्रीमद के वर खिलाफ, वो कार्य अगर कोई करता है तो वो विकार में जाने वाला जैसे शादी कर देता है। अच्छा, ये तो स्त्री पुरुष की शादी का डायरेक्शन ब्रह्मा बाबा ने तो दे दिया, माना इससे ये साबित हो गया। एक ही मिसाल नहीं, कई एक मिसाल ऐसे हैं मुरली में, जैसे कोई बच्चे आते हैं बाबा से कहते हैं बाजा बाबा घर बहुत टूटा फूटा है, छोटा सा घर है और बहुत तंग करता है, ज्यादा परिवार के सदस्य हैं, भले बाबा ने आपने बोल तो दिया है कि प्रॉपर्टी नहीं बनानी है, लेकिन अब हमारा काम नहीं चल रहा है, हम बहुत दुखी है, तो माँ के अंदर तो वात्सल्य है। अच्छा अच्छा बच्चे कोई बात नहीं, मकान बना लो, भले बनाओ, हाँ भले बनाओ, हाँ बल शब्द जरूर डाल दिया, भोले वाले का बल माँ के साथ जरूर रहता है, भाला नहीं रहता है, नहीं क्या रहता है, हाँ भोले वाले तो शिव है भोले और शंकर है भाला, तो शंकर के साथ तो भाला रहता है, और भाले का जो संगी साथी है जन्म जन्म का उसके साथ रहता है भल, तो वो हर बात में भल लगा देते थे। अच्छा बच्चे भल शादी कर लो, अच्छा बच्चे भल मकान बना लो, एक कमरा जो है वो बाबा की गीता पाठशाला के लिए रखना और गीता पाठशाला चलाओ, विश्व का कल्याण करो। तो परमिशन ब्रह्मा से मिल जाती थी, ब्रह्मा से आना। ये हुआ कि माँ जो होती है वो बच्चों के प्रति बहुत लचीली हो जाती है, बच्चा कैसा भी हो, नीच से नीच कार्य करने वाला हो, दुष्ट से दुष्ट हो, लेकिन माँ अपने बच्चे को अपनी गोद से कभी अलग नहीं करती। तो ब्रह्मा तो बच्चों के लिए लूज हो जाते थे। अच्छा ब्रह्मा दादा लेखराज की सोल की बात हुई है, तो है ना, उसकी भी अम्मा कौन? गीता माता। गीता माता तो उसकी भी अम्मा है, तो वो लचीली होगी या नहीं है? वो लचीलेपने के संस्कार उसके खून में समाये हुए होंगे या नहीं होंगे? होंगे। स्थूल खून में या सूक्ष्म खून में? सूक्ष्म। सूक्ष्म खून कौन सा होता है? संस्कारों में, संकल्पों का खून जो होता है वो सूक्ष्म खून कहा जाता है। जैसे शरीर में दो प्रकार का खून बहता है, काला खून और शुद्ध खून। नसें नाड़ियां भी 16,000 मानी जाती हैं शरीर के अंदर, उसमें आधी नसें नाड़ियां काला खून बहने वाली है और आधी नसें नाड़ियां शुद्ध खून बहने वाली है। तो जो विराट रूपी पुरुष है, परम पुरुष, सृष्टिकर्ता जिसे कहा जाता है, कर्ता भर्ता धर्ता, वो विराट पुरुष की धमनियां जो है वो भी 16,000 है। क्या उन 16,000 नसों नाड़ियों में
शुद्ध भूमि भी बहता है आधे में और आधे में अशुद्ध खून बहता है। माने 16,000 जो नशे नारियां आत्मा रूपी है उन 8,000 नशे नारियों में शुद्ध खून बहता है। जब परमात्मा का ज्ञान मिलता है तो वो ज्ञान युक्त होकर के संकल्प चलाने की कोशिश करते हैं और 8,000 नशे नारियां ऐसी हैं जो अज्ञानी गुरुओं से प्रभावित हो जाती है, देहधारी गुरुओं से प्रभावित होकर के और श्रीमत को भूल जाती और मनुष्य मत पे आधारित होकर के दुष्ट खून जो काला खून है अज्ञान युक्त खून है वो संकल्पों का खून उनमें बहने लगता है। जैसे पर चिंतन करना, भले रोज मुरली पढ़ेंगे, रोज मुरली उनको सुनाई जाएगी, रोज दूसरे लोग कहेंगे परचिंतन पतन की जड़, सोलोगन लिख करके टांग देंगे परचिंतन पतन की जड़, लेकिन सुबह से शाम तक इस बात को भूल ही जाएंगे। क्या कि परचिंतन करना चाहिए या नहीं, फिर भी परचिंतन करने लगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ईश्वर जब इस सृष्टि पर आते हैं, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रचना का कार्य करते हैं तो एकदम परिवर्तन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दुनिया के हर धर्म की विशेष आत्माओं को चुन चुन करके ब्राह्मण धर्म में इकट्ठा किया जाता है। कोई ऐसा धर्म नहीं रहता जहां की आत्माओं को चुन करके ब्राह्मण धर्म में न लाया जाता हो, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा क्या? श्रेष्ठ आत्मा कौन है? श्रेष्ठ माना देवता। जो भी देवता धर्म की विशेष आत्माएं हैं, जो द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने लगी थी, कन्वर्ट होते होते दूसरे धर्म में जाकर के समा गई, कोई समा जाती है, कोई आ जाती है, कोई फिर वापस जाती है, ये कन्वर्शन बार बार चलता रहता है। तो वो श्रेष्ठ आत्माएं जो कन्वर्ट हो गई थी, उनको कन्वर्ट हुई आत्माओं को ब्राह्मण बनाया जाता है ब्रह्मा के द्वारा। तो उनमें से कुछ है दाईं ओर के धर्म में कन्वर्ट होने वाली और कुछ आत्माएं हैं जो बाईं ओर के धर्म है, विदेशी धर्म, उनमें कन्वर्ट होने वाली। जो दाईं ओर के धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं वो ब्रह्मचर्य को विशेष महत्व देने वाली आत्माएं, जैसे बौद्ध धर्म, संन्यास धर्म, आर्य समाज, सिख धर्म, ये ब्रह्मचर्य को फिर भी बहुत मान्यता देते हैं। जस्ट अपोजिट जो वाम मार्गी धर्म है, इस्लामी, क्रिश्चियन, मुसलमान, नास्तिक वगैरह, ये प्योरिटी को महत्व नहीं देते। इनके अंदर ये बात समाती नहीं है कि विविचार दुनिया का सबसे बुरा कर्म है जो सृष्टि को सबसे पतन के गर्त में ले जाता है। विविचार से नरक बनता है और अविविचारी वृत्ति से स्वर्ग बनता है, ये बात उनकी बुद्धि में नहीं बैठती। तो इस तरह की जो आत्मा आकर के ब्राह्मण बनती है, जो कि वाम मार्गी धर्मों में बार बार कन्वर्ट होती रही है, तो वो पहले सुधरेंगी ईश्वरीय ज्ञान सुन करके, या दाई ओर की जो आत्माएं भारत के धर्मों से विशेष कनेक्टेड होकर की रही है वो पहले सुधरेगी? जो भारतीय धर्मों में कन्वर्ट होकर की रही है वो पहले सुधरती है। बाबा की वाणी सुनती है तो अपने को चेंज कर लेती है, और जो विदेशी धर्मों में कन्वर्ट होकर के रहे हैं, दूसरे दूसरे धर्म पिताओं के संसर्ग संपर्क में आते रहे, तो संघ का रंग उनके संस्कारों में समा जाता है। वो कितना भी कोसते हैं कि हम श्रीमत पर ही चलें, लेकिन फिर बार बार भूल जाते हैं, उन्हें बार बार उन्हीं देहधारियों से अटैचमेंट हो जाता है, क्योंकि पूर्व जन्म के उनके संस्कार है। मतलब ये हुआ कि जो 8,000 काला खून बहाने वाली नशे नाड़ियां हैं, चैतन्य आत्माएं हैं, जो कि ब्राह्मण परिवार में आ जाती हैं, वो जल्दी सुधरती नहीं। और क्योंकि विदेशी धर्मों की संपर्क संसर्ग में रही है,
और जितने भी विदेशी धर्म है वो सब है आपाधापी करने वाले, क्या लेफ्टिस्ट धर्म है ना। जैसे बाप आते हैं तो बाप के तीन बच्चे हैं, एक लेफ्ट साइड में बैठा है, एक राइट साइड में बैठा है मिडल में, और एक मिडल में बैठा है। तो झाड़ में भी, तो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है उसमें भी तीन तरह के तने दाड़ियां हैं। एक तो जो नीचे से ऊपर तक सीधा जाता है वो है सबसे श्रेष्ठ तना। एक वो है जो तने से दाईं ओर के धर्म निकलते हैं वो भारतीय धर्म, और तीसरे नंबर के वो है जो बाईं ओर के बाम मार्गी धर्म निकलते हैं विदेशी धर्म। तो तीन है, तीनों में सबसे पहले सुधार किसका होता होगा? देवता धर्म होता है, ऊपर जाने वालों का। हाँ तो अब वो तो ठीक है ऊपर जाने वाला, लेकिन बाबा के भी तो तीन बच्चे हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। तो उनमें सबसे पहले सुधार किसका होगा? सबसे पहले मुख्य एक्टर जो है वो है ब्रह्मा का पहले सुधार होता है कि विष्णु का पहले सुधार होता है कि शंकर का पहले सुधार होता है? ब्रह्मा का पहले सुधार होता है, और होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि माता का पार्ट बजाने वाली आत्मा है ना। तो माता का जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है जिसे सीता भी कहते हैं, अब्बल नंबर सीता को, तो उनको बरगलाया जाता है। क्या रावण जो है वो साधु का रूप धारण करके छल छल कपट करके उन कन्या माताओं को क्या करता है? बरगला लेता है, माने बुद्धि को भ्रमित कर देता है। तो बुद्धि को भ्रमित करने से वो आत्माएं उनके वशीभूत हो जाती है। होना नहीं चाहिए वशीभूत। क्या नियम बनाया है भारतीय परंपरा में? नियम क्या बनाया है? नियम ये बनाया है कि पति कैसा भी हो, क्या कैसे भी संस्कार वाला हो, लेकिन पत्नी का धर्म है कि वो जीवन में उसका हर कदम कदम में सहयोगी बनकर के, भुजा बनकर के रहे। लेकिन विदेशी धर्मों में ये बात नहीं होती। वो कहते हैं हम दूसरा कर लेते वो तो अब भी चल रहा है। थोड़ी सी स्थिति परिस्थिति खराब हुई, अरे कहाँ मुसीबत में फंसे तो दूसरा कर लेते। लेकिन गीता में ये बात बताई गई है, जो मानवीय मनुष्यों के द्वारा लिखी हुई गीता है उसमें ये बात बताई गई है कि घर की स्त्रियां जब प्रदूषित हो जाती है, व्यभिचार में ग्रस्त हो जाती है, तो पतन होता है, परिवार का भी पतन होता है, और परिवार के मानंद ये जो वसुधैव कुटुंबकम मानी जाती है, सारी दुनिया हमारा कुटुंब है, उस कुटुंब का, उस परिवार का, उस दुनिया का भी पतन हो जाता है। इसलिए कन्याओं माताओं के ऊपर विशेष जिम्मेवारी है सर। इस बात की कोई भी कारण या कारण है, कोई भी परिस्थिति स्थिति आए, उन्होंने अपने जीवन में जिसको अपना सर्वोपरि माना है, पति परमेश्वर मानते हैं ना, भक्ति मान में ये पति परमेश्वर मानने की परंपरा चली कहां से? संगम युग से चली। संगम युग में कहां से चली? ब्रह्मा कुमारी में। ब्रह्मा कुमारी में चली। अच्छा ब्रह्मा कुमारी ही जो है वो पति परमेश्वर मानती है, वो तो सन्यासी है, वो सन्यासी है, भक्ति मार्ग वाले है ना, भक्ति मार्ग वाले है। आप ज्ञान मार्ग वाले हो गए,
आपकी दृष्टिवृत्ति कभी चंचल तो नहीं होती है? अगर दृष्टिवृत्ति चंचल होती है तो इसका मतलब वो रावणी संस्कार हमारे अंदर भी है ना। तो मूल बात है कि बाबा जब इस सृष्टि पर आता है और जो भी आत्मा एक बार निश्चय बुद्धि हो जाती है क्या कि हमने बाबा को सम्मान लिया, पहचान लिया, जब हमने बाबा को पहचान लिया तो हमारे सर्व संबंध बाबा के साथ, एक शिव बाबा और दूसरे संबंध में कोई भी हमारा कुछ भी नहीं, एक परिपक्वता आ गई बुद्धि में क्या कि हमने एक ही मत पर चलने का दृढ़ निश्चय दृढ़ फैसला कर लिया, कुछ भी हो जाए हम कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे, अगर ये पक्का कर लिया। देखो ज्ञान सुनना सुनाना बड़ी बात नहीं होती क्या, ज्ञान सुन लिया दूसरों को सुना दिया ये बड़ी बात नहीं है, अनुभव करना ये बड़ी बात है, उस ज्ञान को मानना और दूसरों से मनवाना ये भी बड़ी बात नहीं है। कोई फोर्सफुल आत्मा होती है, पावरफुल, मान भी लेती है और दूसरों से मनवा भी लेती है, जैसे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट हुए, ये तो पावरफुल आत्मा है, ये बात को मनवा ही लेते हैं अपने फॉलोअर से, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं। सबसे बड़ी बात है कि जो भी हमने ज्ञान माने जानकारी ली है सच्चाई की, उस सच्चाई की जानकारी को हम अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को धारण करें, उन बातों को जो ज्ञान की बातें हैं, श्रीमत की बातें हैं, उनको हम अपने जीवन में निभाएं और दूसरों को निभाने के योग्य बनाएं, ये बहुत बड़ी बात है। नंबर किस में बनते हैं? ज्ञान सुनने सुनाने से नंबर बनते हैं, जीवन में उतारने से, ज्ञान को मानने और मनवाने से नंबर बनते हैं, धारण करके अपने जीवन में हम उस ज्ञान को धारण करके और निभाएं तो नंबर बनेंगे, निभाने से नंबर बनेंगे। तो मोस्टली लेकिन देखा क्या जाता है, सुनना सुनना, कोई सुनाते हैं बहुत, सुनाते रहते हैं दूसरों को, सुनाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, बहुत अंदर से अहंकार आ जाता है, हम बड़े प्रकांड विद्वान हो गए, हम बड़े अच्छे भक्त हैं, भगवान के सबसे अच्छे बच्चे, हम ज्यादा ज्ञान में इंटरेस्ट लेते हैं। कोई पावरफुल आत्मा होती है उनमें तो उनको ये अहंकार आ जाता है कि देखो हम कितनी सर्विस करते हैं, कितना रिजल्ट निकलता है, हमने इतने लोगों से बात मनवा ली, इतने लोगों को कन्वर्ट कर दिया, हमने इतने लोगों को ज्ञान सुनाया, ये सारा परिवर्तन हो गया। अब जिसके अंदर अहंकार आएगा, ज्ञान तो ऊपर वाले का है, हमारा तो नहीं है, लेकिन उसने अहंकार ये धारण कर लिया कि हमने ऐसा कराया, तो जिसके अंदर अहंकार आता है वह परमात्मा से प्राप्ति करने योग्य नहीं रहता। तो दोनों बातों में कोई फायदा नहीं है, सुनने सुनाने से भी कोई फायदा नहीं और मानने और मनवाने से भी कोई फायदा नहीं। फायदा किस बात में है? जीवन में होता है, जीवन में धारण करें, जो भी ज्ञान सुना है उसको हम अपने जीवन में उतार लें, अक्स कर लें, है? और जीवन में अक्स करते हुए प्रैक्टिकल जीवन में उसको उतारते हुए और दूसरों को भी कोशिश करें कि ये जो हमारे संसर्ग संपर्क में संबंध में आत्माएं आती हैं वो भी उन बातों को माने। तो इस तरह अगर हम निभाएंगे तो उसकी कृपा के अधिकारी बनेंगे, उसका जो वर्षा है उस वर्षे का वो बच्चा अधिकारी बनेगा, उससे चार गुण स्वतः ही आ जाएंगे। क्या जो विशेष गुण है ईश्वरीय ज्ञान के, कौन कौन से विशेष गुण? मित्रता, शांति, आज्ञाकारी, वफादारी, आज्ञाकारी, वफादारी, ईमानदारी, फरमानबरदारी। क्या ये चार गुण जब आत्मा में आ जाते हैं
तो ये ईश्वरीय ज्ञान बहुत सहज हो जाता है, किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं रहती। लेकिन माया मौसी ऐसी है कि आज्ञाकारी बनने नहीं देती, श्रीमत पर चलने नहीं देती और निभाने की स्टेज तक आने ही नहीं देती। तो ये सारी बातें जो हैं, एक के लिए लागू हो रही। अब सवाल यह है कि माताएं अगर बरगलाई जाती हैं दुर्योधन दुशासनों के द्वारा, रावण संप्रदाय के द्वारा, तो उनकी बुद्धि को उनके प्रभाव से कैसे निकाला जाए? घर घर की ये परिस्थिति है क्या? घर घर में मिट्टी के चूल्हे हैं, घर घर में झगड़ा है। झगड़ा होता ही तब है जब इम्प्योरिटी होती है। जब इम्प्योरिटी होती है तो झगड़ा होता है, प्योरिटी होती है तो यूनिटी बनती है, झगड़े का नाम निशान नहीं होता है। तो ये झगड़े की दुनिया, कलह कलेश की दुनिया, इसको नष्ट करने का मूल मुद्दा क्या निकला? वो आए कैसे? वो माता की बुद्धि जो इम्प्योर बना दी है साधु का रूप धारण करके, बातें करके, उसको कैसे सुधारा जाए? उसको मार के, मार के सुधारा जाए। रावण ले बगाड़ी थी। अच्छा, कोई मुरली में बताया है कि किसी को मार करके दुख दो? ऐसे नहीं मानना, ज्ञान दंड से मारना। अच्छा, तुम ज्ञान ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, ज्ञान दंडों से मारती हो तो तुम्हारे पास आती है? नहीं आती है, दूर दूर भागती है। दूर दूर भागती है और सबको भगा ले जाती है। फायदा होता है, नुकसान होता है? नुकसान होता है। तो ये तो बात आपने सही नहीं बताई, और बाबा की मुरली की नहीं बताई। उनके प्रति आपकी शुभ भावना, शुभ कामना हुई, अगर डंडे चला दिए, कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी समझने आता है या आप उन्हें समझाने जाते हैं और डंडे के ऊपर डंडे बरसाना शुरू कर देते हैं तो करके भाग जाते हैं। सही होता हूँ। खास करके जो 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 निमित्त बहने हैं, इंचार्ज बहने हैं, अगर उनको उनके उनके मान सम्मान का ध्यान नहीं रखेंगे, पूरे क्लास के अंदर उनसे प्रश्न पूछना शुरू कर देंगे एडवांस की बातों की, तो उनका अपमान होगा ना, उन्हें तो अपमान फील होगा। तो ये डंडे मारने से उनका सुधार हो जाएगा? नहीं। सबसे पहली बात है हमारे अंदर शुभ भावना, शुभ कामना आए। क्या शुभ भावना, शुभ कामना आए? कि माताएं जो सबसे ज्यादा गिरी हुई है, उन माताओं को जैसे शिव बाबा ने सबसे आगे बढ़ाया है, ऐसे हम भी उन माताओं को आगे बढ़ाए। क्या ऐसे नहीं, अगर खुदा न खास्ता कोई माता विचलित तो हो गई तो नफरत कर दें, हम भी डाइवोर्स दे दें क्या? नहीं, नफरत से सुधार नहीं होगा। नफरत करना ये रावण का गुण है, अवगुण है, ये राम का गुण नहीं है। राम जी, हाँ, राम का गुण ये है कि जो नफरत करते हैं हम उनको भी उतना ही मान सम्मान और प्यार देवे जितने कि वो अधिकारी हैं, क्योंकि उनका दोष नहीं है। जैसे कोई बच्चा बुद्धि बच्चा है और बच्चे को कोई चोर डकैत बरगला करके ले जाते हैं, तो बाप को बच्चे को ऊपर क्रोध आना चाहिए क्या कि तू क्यों चला गया? नहीं, वो तो बच्चा बुद्धि है। ऐसे ही ब्रह्मा भी, जो अब्बल नंबर ब्रह्मा है, उसने भी बच्चे का पार्ट बजाया ना, बच्चा बुद्धि था ना, वो तो अब्बल नंबर आत्मा बनती है कृष्ण की है। लेकिन जो पहले नंबर पे आता है ब्रह्मा, गीता माता, वो भी बच्चा बुद्धि है। तो माता ही है ने? हाँ, माता ही है, बच्चा बुद्धि है, रचना है पहली, वो अब्बल नंबर रचना नहीं है, लेकिन पहले नंबर की रचना है। जो पहले नंबर की रचना है उस रचना का
भारतीय परंपरा में ऐसा रूप बना है कि वो सारा जीवन अर्पण ही करती रहती है। क्या बच्ची के रूप में जन्म लेती है तो बाप के अधीन होती है, माँ के अधीन होती है, बड़े भाइयों के अधीन होती है। शादी हो जाती है तो पति के अधीन हो जाती है, पति की सेवा करती है। खुदा न खास्ता पति ने शरीर छोड़ दिया तो जो बच्चे तैयार होते हैं उन बच्चों के अधीन हो जाते हैं। और जो भी वर्षा है बाप दादे की प्रॉपर्टी का, वो किनको अर्पण कर देती है? बच्चों को अर्पण कर देती है, खुद कोई हिस्सा नहीं लेती। और भारतीय परंपरा में ये अभी तक ये नियम रहा क्या कि माता को कोई वर्षा नहीं दिया जाता, वर्षा दिया जाता है बाप को, बाप का बच्चों को। जो बड़ेला बच्चा होता है ना, जो ज्यादा प्योरिटी की पावर से पैदा होता है, उस बड़े बच्चे को सारा वर्षा दिया जाता है, बाद में फिर नंबर बार दूसरों को। तो ये जो सारी परंपराएं भारत की पड़ी हुई है वो यहाँ की डाली हुई परंपरा है। ब्रह्मा के रूप में जिसने पार्ट बजाया, जो माँ के रूप में पहली रचना है, उसको विष्णु का वर्षा नहीं मिलता। जो स्वर्ग का वर्षा है किसको मिलता है? कृष्ण नहीं, कृष्ण तो बच्चे को मिलता है, बच्चे को मिलता है वर्षा। हाँ, बच्चे को वर्षा मिलता है। तो वो बड़ा बच्चा कौन हुआ? वो कृष्ण हुआ ना। कृष्ण तो जब नई सृष्टि होगी तब होगा। उसको भी जन्म देने वाला कौन हुआ जो विष्णु की वर्षा ही लेता है? वो तो सिर्फ सतयुग की बात सही लेगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा हुआ ना। तो प्रजापिता वाली आत्मा जो है वो तो जैसे शिव बाबा का पहलौटी का बच्चा हो गया। क्या पहले नंबर का बच्चा हुआ जो डायरेक्ट नर से नारायण बनता है, नारी से लक्ष्मी वैष्णो देवी बनती है। लेकिन वैष्णो देवी तो द्वयम नंबर का वर्षा है, शिव बाबा तो रुद्र रूप धारण करने वाला है, रुद्र भी है, रुद्र ज्ञान यज्ञ की रचता है। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ का जो पहली प्राप्ति है वो तो बड़े बच्चे को प्राप्त होती है। शिव की तीन मूर्तियां कही जाती हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा की भी मूर्तियां कही जाती हैं, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं भक्ति मार्ग। लेकिन बड़ा बच्चा कौन? मूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, लेकिन कहते हुए भी बड़ा बच्चा शंकर, बड़ा बच्चा हुआ ना। तो जो बड़ा बच्चा है उसको वर्षा मिलता है, लेकिन वो बड़ा बच्चा आता कहाँ से है? वही माता के, माता से ही तो आएगा। लेकिन माता को क्यों नहीं वर्षा मिलता है? माता को सब बच्चे एक जैसे होते हैं ना। एक जैसे? और पिता को नहीं होते एक जैसे? होते हैं, मगर पिता के सामने जो बच्चा बोलता है उसे पिता के सामने बोलता है, पिता के सामने बोलती बंद हो जाती है, तो नफरत करता है ना। है? पिता के सामने बोलता है तो पिता उसे नफरत करते हैं ना। नहीं, नफरत नहीं करता। नफरत नहीं करता। गुरु अपने शिष्यों से कभी नफरत नहीं करता। जो टीचर है वास्तव में, जो वास्तविक टीचर है वो कभी भी अपने विद्यार्थियों से नफरत नहीं करता। ये तीनों संबंध ऐसे हैं जो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा, हमारा विद्यार्थी, हमारा शिष्य हमसे भी ऊंचा बढ़े, हमसे भी आगे बढ़े। हाँ, और जो सुप्रीम सोल है, सुप्रीम फादर, उसके लिए तो हम ये उंगली उठा ही नहीं सकते। जो वो ऐसा पार्ट बजाएगा कि किसी के प्रति पक्षपात करेगा, किसी के प्रति पक्षपात नहीं करेगा, किसी को प्यार देगा, किसी को ठुकराएगा, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वास्तविक बात यह है कि सुप्रीम सोल जब प्रवेश करता है तो प्रवेश करके सुप्रीम सोल का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? पतितों को पावन बनाना। मुख्य लक्ष्य है पतितों को पावन बनाना।
आप पतितों को पावन किसके द्वारा बनाए गए? सिर्फ माता तो नहीं चलेगी, पतितों को पावन किसके द्वारा बनाया जाएगा? शंकर वही बच्चा रहेगा, कोई मीडिया बनेगा ना। जैसे पावन देवताएं थे वो द्वापर युग से पतित बने, तो किनके द्वारा बने? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। बोलो द्वापर युग से द्वैतवाद शुरू हुआ ना, दूसरी दूसरी मतें देने वाले इस सृष्टि पर आ गए ना, तो अनेक प्रकार की मतें देने वाले जो इस सृष्टि पर आ गए, उन 10 मत देने वाले रावण के द्वारा इस सृष्टि का पतन हुआ। उसने अपनी मतें दी और अपने संघ के रंग में ला करके और सारी सृष्टि को पतन के गर्त में डाल दिया। तो यहाँ भी पतन कब होता है और उत्थान कब होता है? एक के संग के रंग से सदगति होती है, अनेकों के मत और अनेकों के संग के रंग से दुर्गति होती है। और संग भी तब किया जाएगा जब पहले उसको पहचाना जाए, कि बिना पहचाने कोई किसी का संग करता है? पहचानने के बाद पहचान लेता है तो संग करता है कि अच्छा है, इसका संग करना चाहिए। तो शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो यही बात पहले सिखाते हैं कि बच्चे पहले अपनी आत्मा को पहचानो और मेरे को पहचानो। सबसे पहले जो भी किसी को ज्ञान सुना हो तो सबसे पहले क्या परिचय देना चाहिए? आत्मा का, बाप को। पहला परिचय देना चाहिए बाप का परिचय। जैसे तुम्हारा लौकिक बाप है शरीर को जन्म देने वाला, ऐसे इस शरीर में तुम्हारी जो आत्मा है जो इस शरीर से भिन्न है, उस आत्मा का बाप कौन? सुप्रीम सोल। हिंदी सुप्रीम सोल तो हिंदी है। प्रजापिता अरे आत्मा जो है उस आत्मा का बाप कौन? तो कहेंगे परम पिता परमात्मा शिव। अकेले परम पिता भी नहीं, अकेले परमात्मा भी नहीं, परम पिता सुप्रीम सोल शिव को कोई पहचान नहीं सकता। अगर वो परम पार्ट धारी हीरो पार्ट धारी में प्रवेश न करे तो उसकी पहचान भी नहीं होगी। और प्रजापिता को भी तब तक कोई पहचान नहीं सकता जब तक उसमें सुप्रीम सोल शिव प्रवेश न करे। सो दोनों आरस परस है। जैसे इस दुनिया में पार्ट बजाने के लिए आत्मा अकेली पार्ट नहीं बजा सकती और शरीर अकेला पार्ट नहीं बजा सकता। शरीर और आत्मा दोनों का मेल होता है तो पार्ट चलता है। तो ऐसे ही इस सृष्टि पर ये नियम बना हुआ है। एक है अभोक्ता आत्मा, अभोक्ता भी है अकर्ता भी है, और दूसरी है भोगी आत्मा, भोगी भी है और सबसे ज्यादा कर्म करने वाले भी, कर्ता भी है भोक्ता भी है, और दूसरी आत्मा अभोक्ता है अकर्ता है। तो दोनों का मेल चाहिए। वो सुप्रीम सोल जब प्रवेश करता है भोगी में और कर्मेंद्रियों से कार्य करने वाले में, रंगमंच पर सबसे ज्यादा पार्ट कौन बजाता है? मुख्य एक्टर कौन होता है? प्रजापिता। मुख्य एक्टर हीरो पार्टधारी कहा जाता है। तो हीरो पार्टधारी जो सबसे ज्यादा कर्मेंद्रियों से पार्ट बजाता है, उस कर्मेंद्रियों से पार्ट बजा करके इस सृष्टि पर सुख और दुख सबसे ज्यादा भोगने वाला जो बनता है वो है परमात्मा कहा जाता है। अन्य आत्माओं के बीच में जो भी पार्टधारी आत्माएं हैं, भोगी आत्माएं हैं, कार्य करने वाली सृष्टि रूपी रंगमंच पर आत्माएं हैं, उनमें सबसे ज्यादा सुप्रीमेसी का पार्ट बजाने वाली जो आत्मा है राम की आत्मा, उसमें जब तक सुप्रीम सोल प्रवेश न करे तब तक दोनों में से दोनों की पहचान नहीं हो सकती। तो पहचान जरूरी है।
इसलिए बाबा मुनियों क्या कहते, किसी को ज्ञान सुनाओ तो सबसे पहले क्या करो, बाप का परिचय दो उनको, बताओ बेहद के दो बाप है, एक आत्माओं का बाप, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु से, तुम सब ज्योति बिंदु आत्मा हो, तुम्हारी ज्योति बिंदु आत्मा की रोशनी इन आंखों से निकल रही है, तो कोई कभी समझ में आ जाएगा कि जब तक इस शरीर में आत्मा है तो ये रोशनी निकल रही है, आत्मा निकल जाएगी तो आंखें बटन हो जाएंगी, तो आत्मा का भी परिचय मिल जाता है, परमात्मा का भी परिचय मिल जाता है, सामान्य रूप से नहीं, जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों में दिया जाता है, बेहद के रूप से, क्या एडवांस रूप से संपूर्ण परिचय देना है, ऐसे नहीं मैं आत्मा बिंदु परमात्मा भी बिंदु सुप्रीम सोल बिंदु, तो नहीं समझ में बैठेगा, पूरी बात नहीं आएगी समझ में, इसके साथ ये भी बताओ कि वो सुप्रीम सोल कौन से शरीर में आकर के इस सारी सृष्टि को सुधार करके जाता है, सारी सृष्टि का परिवर्तन करा के जाता है, पतित शरीर में, पतित तन में तो आता है लेकिन वो है कौन, हीरो पाटधारी कौन है, वो नाम रूप गुण धाम कर्तव्य सब चाहिए, उसका पूरा पता एड्रेस चाहिए जो निश्चय पत्र में लिखवाया जा सके, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, उसका नाम चाहिए, लौकिक दुनिया में उसका नाम लिखवाओ, इतना तक पढ़ाई पढ़ाओ, पढ़ा पढ़ा कर अपने मुंह से नाम बोलने की जरूरत नहीं है, उस आत्मा को इतना गहरा तक ज्ञान दो कि उसको बुद्धि में ये बैठ जाए कि अमुक नाम वाला लौकिक रूप से शरीर का नाम ये, जैसे दादा लेखराज का नाम बताते हैं, वो तो शरीर छोड़ गए, अभी वर्तमान में कौन पाठधारी, वो नाम क्या है, उसका रूप क्या है, उसका फोटो कैसा है, उलिया क्या है, उलिया तो जानवर बेचते हैं ना, तो जानवर का उलिया लिखा जाता है, उसके क्या क्या निशान है, कैसे कैसा है, तो उलिया माने रूप, धाम माने उसका एड्रेस, कहाँ रहता है, कहाँ का रहने वाला, कहाँ जन्म लिया, गुण कर्तव्य सारी बातें उसकी बुद्धि में जब बैठा देंगे तो उसको परिचय पक्का मिल जाता है कि ये है परमपिता परमात्मा शिव का पाठधारी, और इसकी मत पर चलना है क्योंकि ये है ऊंचते ऊंच पाठधारी, ऊंचते ऊंच की मत पर चलेंगे तो ऊंचे तो ऊंचा बनेंगे, और नंबरवार देहधारी मनुष्य गुरुओं की मत पर चलेंगे तो उन्हीं के धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए मुरली बोला जो जिस धर्म का होता है वो उसी की बात मानता है, ब्राह्मण में भी ऐसा है, जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा, क्या कोई प्रकाशमणि कुमारी का दादी के धर्म का होगा तो फट से कहेगा हम तुम्हारी बात तब मानेंगे जब पहले दादी को समझाओ, तब तक हम नहीं मानने वाले, कोई जगदीश भाई के धर्म का होगा तो यही कहेगा इस दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञानी आत्मा जगदीश भाई है, वो जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम तुम्हारी कोई बात सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे, हम हमको सुना लो, तो प्रकृति माता का भी परिवर्तन करने के लिए क्या करना चाहिए, हाँ स्नेह से उसको समझाना पड़ेगा, स्नेह माना योग याद, क्या शिव बाबा की याद में जब तक हम प्रकृति माता को याद का सहयोग नहीं देंगे, उसके वाइब्रेशन को परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक ये प्रकृति चेंज होने वाली नहीं। आप कहो कि ज्ञान दंडों से उसको सुधार लें, ज्ञान सुना सुना के सुधार लें, ओ सुधरने वाली नहीं है, और ज्यादा माता खाती तो धीरे धर्म अनुआ धीरे धर ऐसे धीरे धीरे तपाते हुए ज्ञान सुनाओ, है बैठना चाहिए ना कि ईश्वर का ज्ञान है तो हमारी भी सदगति होने वाली है, है आया है लेट को लेकर जाएगा, ये कही बात